आए दिन पंजाब पुलिस द्वारा आपा खोने और लोगों के साथ बदसलूकी करने के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला जलंधर के बस्ती बाबा के इलाके में सामने आया है, जहां महेंद्र कुमार नाम की विकलांग व्यक्ति ने पंजाब के डीजीपी और एससी कमीशन को शिकायत कर कहा कि जलंधर के बस्ती बाबा के थाने के एएसआई रघुवीर सिंह ने उसके साथ मारपीट की। इस पर पीड़ित ने बताया कि ये हमारा नाम महेंद्र कुमार है सर, मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जलंधर में, जलंधर कबीर बिहार बस्ती बाबा खेल में रहता हूँ। क्या बात हुई थी उस दिन जब, जहाँ पर जो सीसीटीवी वीडियो जो वायरल हो रही है, क्या हुआ था? ये मेरे को धमकी दी जा रहे हैं कि तुम्हारे पे पर्चा पा देंगे। किस बात का पर्चा डालने को कह रहे हैं? अभी ये चोरी वोरी में डाल देते, भाई को फंसाए थे वैसे मेरे को भी फंसाने का कर रहे थे। आपका किस चीज़ का काम है? हमारा कबाड़ का काम है। तो कौन आया था जो आपको पर्चे की धमकी दे रहा है? रघुवीर आया था, रघुवीर सिंह। तो क्या बात हुई उस दिन, सारी घटना बता दी। उसने मेरे से पैसे मांगा, मेरे को गाली वाली दे रहा था, मेरे को लात से मारा भी है, सीसीटीवी कैमरे में भी आ रहा है। अब मेरे को बोल रहे हैं सुलहनामा कर लो, नहीं तो दोनों भाई को जान से मार देंगे। ये चीज कौन बोल रहे हैं? ये रघुवीर बोल रहे हैं। अपना नाम बोल दीजिए। मेरा नाम महेंद्र कुमार। कहाँ पर है आपका गोदाम? मेरा गोदाम कबीर बिहार में। किस चीज का काम है? मेरा कबाड़ का काम है। ठीक है जी। बस्ती बाबा के अनुसार डीजीएससी रघुवीर सिंह बंदा सी का वो उनको इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आई थी कि एक परविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट दी थी। उन्होंने कोई छतरी हुई है जी प्लेटेड में चोरियाँ हुई, तो उन्होंने एक प्लेटेड छतरी हुई है जो महेंद्र कुमार के जेदे जितने एएससी की गलबात होती है उन्होंने घर के लागो मिलती है। तो उस एडिंग चेक करने गया जो महेंद्र से शिविंदर दोनों ब्रदर ने छुट्टी करते हैं या क्वाड का काम करते हैं। जो महेंद्र के नाल गलबात की असने तो सही तरीके ने कोपरेट नहीं जवाब नहीं दिता, तो तय चढ़ दूसरे चढ़ के जो ये जो काम करता तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इस करके जो असं जो सस्पेंड करके डिपार्टमेंट रखने का सर पुलिस मुलाजमान वालों लगातार सेवा भी करोना दौरान की जाती है, कि कारण की रह गया पाए के उत्ते कि एएसआई वालों हमला किया जाए? नहीं होना चाहिए ही जो खिलाफ कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट आज शाम प्लस।